नमस्कार, स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के एलाइट्स के बारे में, यानी जो इंडिया के बिलियनियर्स हैं उनके बारे में, जो अरबपति हैं, धनाढ़ लोग हैं उनके बारे में। यहाँ पर बात की गई है कि क्या सच में ये इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में जो विचारधारा रही है, जो एक तरह का परसेप्शन रही है, वो ये रहा है कि इंडिया में लगातार जो है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ओके, तो इसमें ये चीज हमेशा ब्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो लोगों के द्वारा कम इंक्लूसिव होती है और ज्यादा हेल्प करती है जो एलाइट लोग होते हैं, जो बिलेनियर होते हैं उनकी। तो यहां पर इंडिया की बात करें तो हमारे यहां 138 बिलेनियर हैं और इंडिया जो है तीसरा बड़ा मुल्क है अगर हम एलाइट्स की बात करें पूरी दुनिया में। तो यहां पर 1% जो लोग हैं वो पूरे इंडिया की 25% इनकम जो है वो कमा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है फिलहाल अभी इंडिया के केस में। तो यहां पर अगर कैपिटल एसेट्स की मैं ऑनरशिप की बात करूं, तो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं मुझे एग्जाम्पल के तौर पर एक कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कैपिटल एसेट की एग्जाम्पल। सो कैपिटल एसेट्स की अगर बात करें तो जितनी भी कंपनीज यहां निफ्टी में रजिस्टर्ड है, तो 50 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जो निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स में जो रजिस्टर्ड है, तो इनके पास 75% के वैल्यू का जो कैपिटल एसेट है उसके मालिक ये हैं। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहां पर अगर निफ्टी की भी बात करें, इन 50 कंपनीज की भी बात करें, तो इसमें से भी मोस्टली कंपनीज ज्यादा प्राइवेट है और बहुत कम कंपनीज हैं जो सरकारी हैं। ओके, तो यहां पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनके जो एसेट्स हैं, एसेट्स की जो ऑनरशिप है उसमें 10% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले एक डिकेड में। और दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वहां 12% का जो है डाउन आया है। तो यहां पर नेचुरली एक परसेप्शन बन जाती है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, क्या ऐसी जो परसेप्शन मानी जा रही है क्या वो सही है? तो इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है जिसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो कितनी सही है ये परसेप्शन और कितने एक्सटेंट तक जो है जो एलाइट्स हैं अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर, या कह लो कि गवर्नमेंट को चैलेंज करके कितनी एसेट्स जो है वो कमा रहे हैं, तो यहां पर कितनी बात सही है। तो इन सबको, इस सारी सिचुएशन को सही करने के लिए एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था एलाइट क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो साथ ही में इस रिपोर्ट का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स है रिपोर्ट के, इसको यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां पर जो एलाइट क्वालिटी रिपोर्ट है, तो वहां पर उन्होंने अलग अलग इंडिकेटर्स लिए हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। 72 अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसको इन्होंने चुना है अक्रॉस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पिलर्स। ओके, जो भी कंट्री के अलाइट हैं, ठीक है, अलाइट के फेवर में जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना, उन सब चीजों को यहां पर ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है। ओके, तो यहां पर जो इंडिया का रैंक बनाया इन्होंने वो है 25वां रैंक है आउट ऑफ 32 कंट्रीज। तो आगे अगर बात करें तो यहां पर जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि जो इंडियन एलाइट्स है ना, जो इंडियन बिलियनियर्स है, बहुत तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं। अगर वो इकोनॉमी को चला रहे हैं, इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। तो यहां पर आगे बात की गई है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, ओके, काफी बढ़िया है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहां पर इंडिया को 5वां रैंक दिया गया है टू प्रोटेक्ट इट्स करेंसी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी करेंसी को जो है प्रोटेक्ट करके चलना, साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ को भी सही टैकल करके चलना, और साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको भी सही तरीके से मैनेज करके चलना। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है, महंगाई को भी हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। यहां पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो इसमें होता है कि 4% लेके 6% तक के बीच में हमने जो है इसको रखना होता है। ओके, सॉरी 2% से लेके 6% के बीच में हमने इन्फ्लेशन टारगेट रखना होता है, प्लस माइनस हो सकता है। ओके, सो 2% से कम नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इसी को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और साथ ही साथ करेंसी को भी प्रोटेक्ट करके चलती है कि करेंसी की जो वैल्यू है ना यूएस डॉलर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो वो गिरनी नहीं चाहिए, तो उसको कंट्रोल रखती है। तो पिछले काफी सालों तक 69 रुपीज तक ही वैल्यू एक जगह रुक गई थी आके, वो तो अभी इन्फ्लेशन हो गया, सॉरी पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिर गई। ओके, 75-74 के आसपास चली गई, फिर भी बहुत बढ़िया काम करते हैं यहां पर। तो वहां पर आरबीआई टैकल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, अगर देखता है
कि यहाँ पर इंडिया की करेंसी गिर रही है, वैल्यू गिर रही है, कमजोर पड़ रही है, तो फिर वो जो उसके पास यूएस डॉलर होते हैं आरबीआई के पास, उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बाहर जो डिमांड है ना उसकी पूर्ति के लिए यहाँ से यूएस डॉलर जितना जमा रखा होता है फॉरेन एक्सचेंज में उसको बेचना शुरू कर देता है कि हमारा जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू बढ़े। तो किसी भी यूएस डॉलर को बाहर बेचना मतलब कहने का मतलब कि उसकी एक तरह की ये कहना है कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो करेंसी है ना उसको इम्पैक्ट ना पड़े यूएस डॉलर के प्रति। तो साथ ही साथ अगर दूसरी ओर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करके चलती है। ध्यान रखिएगा, मॉनिटरी पॉलिसी को आरबीआई मैनेज करती है और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मैनेज करती है। तो इसमें भी इंडिया बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर जो सब्सिडीज और ट्रांसफर्स की बात करें तो उस हिसाब से 5th रैंक है, और जो रीजनल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो उस हिसाब से यहाँ पर 4th रैंक दिया गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को आउट ऑफ 32 कंट्रीज। और आगे बात करें तो इंडिया में लगातार जो है जो अरबपति हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर काफी रिजनेबल डोमिनेंस है इन अरबपतियों का, इन जो बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में। ओके, और जो अलग जो वेल कंट्रोल ट्रस्ट अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर इनको जो है 6th रैंक दिया गया है इस कैटेगरी में। आगे बात की गई है जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं। ओके, यहाँ पर जितनी भी मेजर फर्म्स हैं, ओके, तो वहां पर इनको जो उनका जो टर्नओवर है उसको यहाँ पर 6th रैंक दिया गया है। इसके अलावा जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है इंडिया में, सो कैपिटलिज्म होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं वो कंपनीज लगाते हैं, फिर जॉब क्रिएट होती है। सो एक कैपिटल, ओके, जो मतलब अरबपति है, ठीक है, अपनी इन्वेस्ट करता है कैपिटल, उस हिसाब से जो है इकोनॉमी चलती है। तो यूएसए जो है फुल फ्लेज वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। ओके, इंडिया फुल फ्लेज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। इंडिया को हम टैग देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहां पर स्टेट इकोनॉमी भी है और जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी है, दोनों जो है पार्टिसिपेट करके चलती हैं। तो यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिज्म है इसको 8th रैंक दिया गया। धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा है इंडिया में। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी फर्म में, जैसे रिलायंस है उसके अंडर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ओके, तो उनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है भारत सरकार के द्वारा, उनको प्रोटेक्ट करके चलती है। तो यहाँ पर 6th रैंक इंडिया को दिया गया है इन सब वेरियस कैटेगरीज में। ओके, आगे बात करें जो पोलिटिकल एलाइट्स हैं वो फेवर करते हैं जो बिजनेस है, ठीक है, और जो उसका टैक्स है मतलब जो कॉरपोरेट जो टैक्स देते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं कि क्या टैक्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही, किसी तरीके की कोई हेराफेरी तो नहीं है, उसका भी चेक होता है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 6th रैंक इसको दिया गया है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट टैक्स ट्रीटमेंट है कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स कॉरपोरेट से कम चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल CSR होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एक तरह का सेस होता है जो बड़े कॉरपोरेट्स को देना होता है। तो इसका जो पैसा आता है सरकार फिर वेलफेयर के लिए यूज करती है, खासतौर के बच्चों की वेलफेयर के लिए। सो इस तरीके से यहां पर भी सरकार अच्छे से यहां पर परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर हम कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो इसमें उसमें इंडिया जो इस जो रैंकिंग आई है इनमें टॉप कर रहा है। ओके, और आगे बात करें तो इंडिया डोमेस्टिक फर्म्स को भी यहां पर फेवर करता है, जो ट्रेड फ्रीडम में जो ब्लॉकिंग होती है उसको हटाने की कोशिश करता है। ओके, लेकिन फिर भी जो है ट्रेड फ्रीडम जो है ब्लॉक होती है, तो यहाँ पर इसका रैंक काफी नीचे है, 27th है। और जो इंडियन इंडस्ट्री है, ओके, उसको बचाने की कोशिश करता है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से, तो यहाँ पर भी 29th यहाँ पर रैंक दिया गया है। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट से हम कैसे बचाते हैं अपनी इंडस्ट्री को, जैसे बाहर से कोई प्रोडक्ट बन के आया तो उसकी उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं। ओके, जैसे भारत में भी एक वॉशिंग मशीन बन रही है, एक वॉशिंग मशीन अमेरिका से इंडिया में आई है, तो उस मशीन के ऊपर हमने 10 या 20% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो जब इंडिया में आएगी मशीन तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, और हमेशा लोग सस्ती चीज को प्रेफर करते हैं, तो इंडिया की बनी हुई जो मशीन है उसको जो है लोग ज्यादा फेवर करेंगे। तो अभी जब दिवाली आएगी, दिवाली के आसपास सरकार ऐसे काम करेगी, जो बाहर से इम्पोर्ट आता है किसी भी, अगर डोमेस्टिकली भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो सरकार जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। ओके, कुछ समय के लिए। तो आगे अगर कोई नई फर्म इंडिया में एंटर करना चाहती है या बिजनेस में एंटर करना चाहती है तो उसके लिए टफ होता है, तो इसलिए यहां पर 28th रैंक दिया गया, काफी नीचे रैंक है आउट ऑफ 32। और इसके अलावा जब हम MSME की बात करते हैं, जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, तो वहां पर भी हमारी हालत खराब है, 29th रैंक वहां पर दिया गया है। तो इसके अलावा जो यहां पर कोशिश यही की जा रही है कि
जो जो अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पर हालत ख़राब है वहाँ पर भारत सरकार जो है उसको आगे आना चाहिए। ओके, हालांकि सरकार बहुत सारे पैकेजेस भी अनाउंस करती है। पैंडेमिक की टाइम पे 3 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर एमएसएमई के लिए जारी किया गया था। ओके, सो इसका मतलब है जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, ओके, उन्होंने ज़्यादातर जो एसएमई की जो मैन्युफैक्चरर्स उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। ओके, हालांकि राशि जिस सरकार ने पैकेजेस जारी किए हैं, पता नहीं उनके हाथ तक पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके बारे में अभी कोई भी किसी तरीके का भी कोई रिजल्ट, कोई डाटा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात की गई कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उसके बारे में यहाँ पर इस इंडेक्स में अभी कोई भी बात नहीं की गई है। और आगे बात कर रहे हैं कि एलाइट्स जो हैं वो अगर बात करें अपनी पावर के यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर अपने जो वर्कर्स के खिलाफ वो वायलेंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर जब उनके पास पावर है तो यहाँ पर अगर उसका वो गलत यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही खराब रैंकिंग यहाँ पर इंडिया को दी गई है। 29th रैंकिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो वोमेन है उनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो इन्वॉल्वमेंट है पावर में, वो यहाँ पर अच्छी बताई गई कि वहाँ पर 10th रैंक यहाँ पर इंडिया को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे बिजनेस एंटाइटीज में अगर बात करें तो अभी भी फिलहाल वोमेन जो है स्ट्रगल कर रही हैं। इसके अलावा जो लॉ बनाए गए हैं कि वोमेंस को कैसे हम सेफ गार्ड प्रोवाइड करें, कैसे उनके जो राइट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी भी वो लो है। अच्छे अच्छे तरीके से लॉ भी काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी 24th रैंकिंग है। इसके अलावा बात करें सोशल मोबिलिटी की, तो वहाँ पर भी ओके, तो यहाँ पर इंडिया का रैंक लो है, 29th है। और अगर बात करें जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो यहाँ पर भी 26th रैंक है। ओके, इसमें जो स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो कम होती जा रही है। ओके, बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे क्या होता है कि अटेंडेंस कम होनी शुरू हो जाती है बच्चों की, बच्चे मतलब इंटरेस्ट दिखाना कम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर बच्चों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती। फिर जैसे उन बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे उस हिसाब से काम करते हैं। कुछ पेरेंट्स की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि बच्चे जैसे हम काम करते करते बड़े हुए हैं, बच्चे मतलब वैसे ही आगे चले, मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ मेंटेलिटी अभी भी इंडिया में रहती है, काफ़ी बड़े पैमाने पर ऐसी जो मेंटेलिटी है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चा सही समय पर पढ़ाई कर जाता है, पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं ना, तो जब बच्चा बड़ा होता है तब पता चलता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। ओके, तो बहुत कुछ मिलता है पढ़ने से। ओके, अगर आप अच्छे ग्रेजुएट हो, ओके, अच्छे तरीके से आपने थोरोली पढ़ाई की है, ओके, दिल से पढ़ाई की है, तो फिर आप अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हो, बहुत कुछ देकर जाओगे पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पर इस मामले में भी इंडिया का रैंक खराब है, 26th रैंक यहाँ पर प्रोवाइड की गया है। ओके, तो इसका रीज़न यही है कि आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है स्टूडेंट्स लाइफ में, खासतौर पर अगर जॉब्स की बात करें तो बहुत कम है। और आगे जो यहाँ पर बात करें डोनेशंस की, ओके, जो कॉरपोरेट इंडिया करता है, ओके, तो ये भी बहुत कम है। और इसके अलावा एक और है डिसकंटेंट का सोर्स है जहाँ पर बात की गई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें भी हमारा रैंक सबसे पुअर है, 32nd रैंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इंडिया को। हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ओके, हमारा एक लोगो है जीरो इम्पैक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे जिसी भी प्रोडक्ट की, उसमें डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी वो इतने अभी कारगर दिखने को, उसका रिजल्ट कोई खास दिख नहीं रहा क्योंकि 32nd रैंक यहाँ पर हमारा पहुंच गया है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिएक्ट करने के लिए किसके खिलाफ, जो ब्लैक सेवन इवेंट होते हैं, ये इवेंट ऐसे होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ भी अगर ऐसा हो जाए जिससे रिकवर कर पाना बहुत टफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर COVID-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से GDP गिर गई, अब उसको इकोनॉमी को रिकवर करना बहुत टफ हो गया है। ओके, ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। तो ऐसे इवेंट्स को हम यहाँ पर ब्लैक स्वैन इवेंट बोलते हैं। जैसे 2008 में मंदी आई थी तो उस समय भी ऐसी सिचुएशन थी, तो उसको भी यहाँ पर ब्लैक स्वैन इवेंट का नाम दिया गया। तो ऐसे क्राइसिस में अगर बात करें, ओके, तो इंडिया की एबिलिटी जो है वो यहाँ पर अच्छी थोड़ी सी देखने को मिली है। ओके, अगर और हेल्थ की बात करें, वेलबींग की बात करें, तो वहां पर फिर रैंक इतना सही नहीं है, 26th रैंक है। लेकिन अगर COVID-19 की सेफ्टी की बात करें तो यहां पर एक अच्छा रैंक मिला है, 13th रैंक मिला है। और साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें कि कैसे इन्होंने शॉक को रिस्पॉन्ड दिया है, अभी जो इकॉनमी को शॉक पहुंचा है उसको कैसे रिस्पॉन्ड दिया है, कैसे इसको टैकल किया है, अगर इसका हम कंपैरिजन करें कुछ हायर इनकम कंट्रीज के साथ, तो वहां पर इंडिया की परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी बताई गई है। यहां पर 12th रैंक यहां पर प्रोवाइड किया गया है। और आगे बात की गई कि जो हमारी सरकार है वो भी यहां पर
पॉलिसीज बनाती है कि एक रॉबस्ट कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए जितने भी अलायंस बिजनेस अलायंस जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में होती हैं, ओके इंडियन इकोनॉमी में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस बिजनेसमैन के द्वारा एलाइट्स के द्वारा, उनको एक फेयर कंपटीशन पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पर निकलना होता है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ के जो एलाइट्स हैं अरबपति हैं वो इतने पावरफुल नहीं है जितने कि अगर हम कंपेयर करें हमारे नेबरिंग पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर वो ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ओके तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस कम है। तो यहां पर इंडिया में ये लेस पावरफुल है, यहां पर ये रिपोर्ट बता रही है। तो यहां पर जितने भी एलाइट्स काम कर रहे हैं वो एक फ्रेगमेंटेड एक बिजनेस मॉडल के तहत यहां पर काम कर रहे हैं, ओके जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है उनको उनको फॉलो करके चलना पड़ता है। साथ ही साथ अगर इंडियन एलाइट्स की बात करें तो ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि वो जो है ज्यादा यहां पर कॉपरेट करके चलते हैं और आगे भी इनको जो है ज्यादा कॉपरेट करके चलना चाहिए जिससे कि इंडिया की जो पोटेंशियल है ओके वो और बढ़े, इंडिया की जो ग्रोथ है वो और आगे बढ़े। ओके अलग अलग जो वेरियंट्स है ओके अलग अलग वेरिएशन है अलग अलग तरह की जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, हर एक सेक्टर जो है अच्छे से ग्रो करे, इंडिया की जो ग्रोथ है ओवरऑल ग्रोथ वो आगे तक जाए, ओके तो इनका बहुत ही अहम रोल है अगर ये अच्छे से कोऑपरेट करें इंडियन इकोनॉमी में। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि एलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री में अगर वैल्यू क्रिएट करनी है ना, तो और कंट्री को एक ऊंचाई तक पहुंचाना है तो उनमें उसमें एलाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको हम नेगेटिव नजरिए से नहीं देख सकते हैं, ओके लेकिन उनको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि वो जो भी काम करें एक एज ह्यूमेन फेस के तौर पर काम करें, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करें, लोगों का भी सोच के चलें और देश का भी सोच के चलें, इस तरीके से काम करें। तो यहां पर एक सबसे सटीक एग्जाम्पल बैठती है रतन टाटा जी की, पूरे टाटा एम्पायर की। जब से टाटा ग्रुप बना है उन्होंने आज तक देश के भले के लिए काम किया है, आज भी जितना प्रॉफिट टाटा कमाता है उसका 60% जो है ना वो चैरिटी में चला जाता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं टाटा के जो वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं, तो 60% प्रॉफिट वहां जाता है। तो इसीलिए आपने किसी भी लिस्ट में जो है ना, जो अगर बड़ी अरबपतियों की लिस्ट बनती है पूरे वर्ल्ड की, तो टाटा का नाम आपने नहीं सुना होगा, रतन टाटा का नाम वहां पर नहीं आता है। इसका रीजन यही है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता है वो सारा बांट देते हैं अलग अलग जगह में, जैसे बॉम्बे में टाटा कैंसर हॉस्पिटल शुरू हुआ था, काफी साल पहले शुरू हुआ था, ओके तो इसी तरह से अलग अलग वेरिएशन अलग अलग सेक्टर्स में टाटा काम कर रहा है और देश की भलाई के लिए आगे आ रहा है। टाटा नैनो भी इसका एक यही कंसेप्ट था, देश के लोगों के भले के लिए वो कार, इतनी सस्ती कार वहां पर प्रोजेक्ट की गई थी टाटा के द्वारा, ओके तो अगर दूसरी ओर मैं अंबानी की बात करूं तो यहां पर जब उन्होंने 10,000 करोड़ का खर्चा कर दिया था अपने घर के ऊपर ही बॉम्बे में, तो रतन टाटा ने तब उसको क्रिटिसाइज भी किया था कि ये सारा का सारा बेफजूल खर्चा किया गया है, ये लोगों का पैसा था जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए लगाना चाहिए था, ना कि अपने घर के ऊपर। तो ये बिल्कुल सही बात थी। यहां पर जो एलाइट्स हैं इनको सोचने की जरूरत है कि क्या काम करना है, क्या देश की सिचुएशन है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पावर होती है, जिम्मेदारी भी उसी की बनती है, ओके तो ये बातें ध्यान रखने योग्य है, ओके तो यहां पर ये सारा जो लेक्चर है, सारा का सारा जो आर्टिकल है, ये कोशिश कर रहा है कि किसके ऊपर, एलाइट्स के ऊपर यहां पर ध्यान देने की कोशिश की गई है कि कैसे अगर ये सुधरे देश की इकोनॉमी जो है उसको अलग अलग वेरियंट्स में सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, देश की जो इकोनॉमी है वो दोबारा पटरी पर वापस आ सकती है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।